हाय गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में ट्विन फ्लेम का जर्नी। अगर आपका सन साइन है सैजिटेरियस और आपका बर्थडे है 22वीं नवंबर से लेकर 21वीं दिसंबर तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। सी, अब ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में अगर रीडिंग है, आपने अगर किसी का वीडियो देखा होगा तो इतना डिटेल में आपने कहीं नहीं देखा होगा, बिकॉज यस, एक तो जोडियक साइन का स्पेसिफिकेशन है ही यहाँ पर, उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको उस ऑप्शन के आधार पर, जी हाँ, ऑप्शन के आधार पर आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अब के बार क्या होने जा रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज। अब ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी होती है, और इसीलिए अब के बाद क्या होगा, अब के बाद क्या होगा, दिस इज लाइक ऑलवेज द क्वेश्चन। तो इसीलिए यहाँ पर हम आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट फेज देखने वाले हैं। जी हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, भले यहाँ पर मैंने लिखा है 1 ईयर तक आप देख पाएंगे, ये वीडियो जब आप देखना शुरू करते हैं उसके 1 साल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो आपके साथ होगा। बट यस, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं जून 2024 में अगर पब्लिश हुआ है तो नॉट नेसेसरी कि अगले साल तक वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 साल के बाद भी ये वीडियो ओपन किया है तो जब आप जिस दिन ओपन करते हैं, लेट्स से सितंबर 2030 उस समय पर आप ओपन करते हैं, तो सितंबर 2030 से लेकर सितंबर 2031 के लिए आपके लिए ये वीडियो वैलिड रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। चलिए उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट फेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। दूसरा, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड तीसरी बात है आपको मैसेज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। अब आपको बहुत सारे मैसेजेस आप देख सकते हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, राइट, बट सारी बातें आपको पता चले, उससे बेस्ट चीज है कि आपको ये जानने में मजा आएगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। राइट, ट्विन फ्लेम के मन में क्या चल रहा है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो ऐसा क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि जो यहाँ पर बाय द वे आपको फ्री में दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब वीडियो के रूप में। ठीक है, अभी दैट बीइंग क्लियर, चलिए एक और बात आपको बता दूं, मेरे बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं, बिकॉज यस, आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कौन हूँ, राइट, बिकॉज अगर आप इतना इंपॉर्टेंट जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जो आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा बताने वाले हैं उनको आप डेफिनेटली उनके बारे में आप डिटेल्स जानना चाहेंगे। मेरा नाम है प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने आज तक बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग्स किए हैं, यस, एंड मैंने आज तक हजारों लोगों को मैंने टैरो सिखाया हुआ भी है, एंड यस, दैट बीइंग सेड, चलिए अब लेट्स से आप ये रीडिंग देखना शुरू करते हैं। रीडिंग देखते देखते एक पॉइंट ऐसा आया कि आपके मन में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आ गए। लेट मी टेल यू, ये रीडिंग इतना ज्यादा डिटेल होने वाला है, इस मतलब जितना डिटेल में आपको ट्विन फ्लेम रीडिंग इस वीडियो में देखने को मिलेगा उतना आपको कहीं पर यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेट मी टेल यू दैट। बट उसके बावजूद ये रीडिंग देखते देखते अगर आपको कोई क्वेश्चन एडिशनल आपके मन में उठता है, ज्यादा सवाल मन में उठते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, प्राइवेट कंसल्टेशन पेड होता है, जी हाँ, पैसे भरने के बाद ही आपको ये प्राइवेट कंसल्टेशन मिलेगा। फ्री का कंसल्टेशन मैं किसी को नहीं देती हूँ, प्लीज डोंट टेल मी कि आपको फ्री में करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा डिटेल में मिल रहा है कि जितना डिटेल में आपको कोई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद यस, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इससे ज्यादा भी कुछ आपको फ्री में दूं, बट यस, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये रीडिंग पेड वाला रीडिंग लेते हैं, आई विल टेल यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। जितना क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा, हजार गुना ज्यादा बेटर क्वालिटी का रीडिंग आपको मिलेगा। ठीक है, सो जी हाँ, ये बात मैंने क्लियर कर दी। उसी के साथ साथ अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग देखते देखते अगर आपको लगता है कि भाई टैरो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे भी सीखना चाहिए, तो अगर आपको टैरो सीखने की इच्छा होती है ये वीडियो देखते देखते, तो बाई ऑल मीन्स आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। मेरे टैरो के क्लास के बारे में मेरा एक क्लास है, टैरो इंट्रोडक्टरी क्लास, वो जरूर ज्वाइन कीजिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसका टैरो का बैकग्राउंड है या नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास आपके लिए है। अगर आप टैरो ज्वाइन करना चाहते हैं तो, टैरो का क्लास मुझसे करना चाहते हैं तो, ठीक है, तो दैट बीइंग क्लियर्ड, चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सी,
आपको एक बात बता दूं, मतलब जो ये जो ग्रीन फिल्म का नेक्स्ट फेज जो होने जा रहा है, ये सब हम बात करने वाले हैं, सारी की सारी बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ध्यान से सुननी है, ठीक है? बिकॉज इतना डीप में रीडिंग, यस आई थिंक आई हैव टोल्ड यू लाइक द थाउजेंड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, पता नहीं हजारवीं बार मैं बोल रही हूँ ये बात आपको, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ये रीडिंग इतना डीप में मिल रहा है तो शांति से बैठकर सुनना है, शांति से बैठकर समझना है, ज्यादा यहाँ वहां भटकना नहीं है, ठीक है? चलो फर्स्ट चीज यहाँ पर देखते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है? दो कार्ड्स हैं उसके लिए, सबसे पहले ये वाला कार्ड कहता है कार्मिक टाइज, आपका जो ट्विन फ्लेम हो सकता है उसका कार्मिक टाई या आपका कार्मिक टाई, दोनों में से किसी के भी जीवन में कार्मिक टाई वाली प्रोसेस आई है। दिस कार्ड सेज माई और योर चिल्ड्रन नीड टू कम फर्स्ट। अच्छा, ये हो सकता है कि आपके बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों की शादियां किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो चुकी है, दोनों के घर पे भी बच्चे हैं, ठीक है? दोनों केसेस में बच्चे हो सकते हैं या फिर किसी एक के केस में बच्चे हो सकते हैं, जो भी है ट्रस्ट दैट दे आर पार्ट ऑफ आवर प्लान, ठीक है? सी, अभी कई बार क्या होता है कि इंसान शादीशुदा हो जाता है, कई बार शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, किसी के साथ एंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद अगर आप रियलाइज करते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, लेकिन किसी और ही व्यक्ति के साथ कि जो शायद किसी और के साथ सेटल्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं? सी, रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पर ये दिस इम्पोर्टेंट कार्ड इज टेलिंग कि आप ऑलरेडी मतलब एक तरह का प्लान आपके सोल ने बनाया हुआ है कि दैट सो यस, वो सोल का प्लान इंक्लूड करता है कि आपके बच्चे हो या आपके ट्विन फ्लेम के बच्चे हो, वो ध्यान में रखकर ही बच्चों को प्लान के हिसाब से ध्यान में रखकर ही बच्चे किए गए हैं, ठीक है? यस दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, राइट? दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। ये वाला कार्ड कहता है आई लॉन्ग फॉर योर किसेस एंड टच। ओके, आपकी जो ट्विन फ्लेम है ये चाहते हैं आपसे, यस, रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, भले आपका आज तक कोई भी रोमांटिक कनेक्शन नहीं रहा है, बट यस आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली चाहते हैं, बट अगर ये चाहते हैं दैट डज नॉट मीन कि ये कनेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो जी हाँ, बी वेरी केयरफुल, जो शब्द मैं रिपीट करती हूँ उसको बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है, ठीक है? काफी लोग मतलब शब्द में फंस जाते हैं, बातों बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। चलो, ट्विन फ्लेम के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, ठीक है? एम्परर क्या करता है, राज करता है, डोमिनेट करता है, रूल करता है। आपको अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? ओके, नाउ दिस इज लाइक अ, जी हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, बट आपको फिर भी बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम अपने खुद के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, सी फॉर द मोमेंट अभी इसी, अगर मैं ये बात भी पूछती हूँ आपसे तो इसका भी जवाब थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज कभी कभी जो लोग हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं उनको हमेशा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्या आप हमेशा दुनिया के सभी लोगों के डिसीजन आप खुद लेते हैं? अगर ऐसा है तो शायद आप यहाँ पर गलत तरह से इस बात को समझेंगे, बट अगर आप किसी को, सबको अपने अपने डिसीजन लेने देते हैं, आप सबको अपना फ्रीडम दे देते हैं, तो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम अपने खुद के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, तो डेफिनेटली बाय ऑल मींस आपको उनके लिए डिसीजन लेने चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए कि भाई ये करो वो करो, बट दिस डज नॉट हैव टू कंटिन्यू, ठीक है? ये हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। द रीजन इज इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड बिकॉज सी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति है कि जो अपने फ्री विल के साथ बॉर्न है, और अगर आपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर हद से ज्यादा उसका फ्री विल हड़पने की कोशिश की, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू, यस, यू आर गोइंग टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। यूनिवर्स आपको जरूर बताएगा कि आपको कितने हद तक रहना चाहिए, कितने लिमिट में रहना चाहिए जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो है कि आप कुछ ज्यादा समय के लिए भी आप इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में यूनियन की राह देख सकते हैं, बिकॉज सी अगर ये कार्ड आया है, आई डू अज्यूम के ये यूनियन वाला जो प्रोसेस है उसके लिए अगर आप राह देखते हैं तो शायद उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। बाय पॉजिटिव रिजल्ट आई डोंट मीन कि आपका यूनियन हो ही जाएगा, ठीक है? यस, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। अगर कोई मटीरियलिस्टिक लेवल पर सोचता है तो दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं,
ठीक है, बट एट द सेम टाइम यूनियन का, यूनियन की राह देखते देखते अगर आपका बहुत ज्यादा यू नो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की अवेकनिंग आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद अगर आपको रीडिंग करवाते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग, और वहां पर आपको आपके लिए आता है कि भाई अब राह देखने की जरूरत नहीं है, देन दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं। यस, लेट्स से वन फर्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ चेंज। ओके, आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी तरह के चेंज की जरूरत है। रिलेशनशिप पैटर्न आपकी कुछ अलग हो सकती है, इट कुड बी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं बट उस व्यक्ति के साथ आपकी ज्यादा बनती नहीं है। एक तरह का पैटर्न होता है कि आप हर बार जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं, राइट, कि जो विच कुड बी अ टॉक्सिक पैटर्न। अगर आप अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, अगर आप सुधर जाते हैं, लोगों का यू बिकम अ वेरी वाइज पर्सन, दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली कोई आपको कब बताना चाहता है कि भाई आपकी रिलेशनशिप पैटर्न को देखना जरूरी है, जब आप कोई टॉक्सिक व्यक्ति में, आप एक उदास या यू नो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, तब कोई व्यक्ति आपको डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहेगा कि जो आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है, दैट इज ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक अबाउट ईच अदर। ओके, अभी आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, अभी दिस कुड बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाउ आई नो यू नो ये जिस तरह से साउंड करता है कि आपके पार्टनर अलग है, आपके ट्विन फ्लेम के पार्टनर अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, एथिकली दिस साउंड रॉन्ग। ठीक है, सी अब एथिकली अगर आप रॉन्ग भी फील करते हैं, आई वुड लाइक टू से आप फ्रेंडशिप के लेवल तक रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप यू नो यस नो टच जोन में भी रहते हैं फ्रेंड्स बन के, फिर भी आपका बहुत ज्यादा यू नो इवोल्यूशन हो सकता है, बहुत ज्यादा आपका अवेकनिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, चलो अब ये जो कार्ड है लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, ये कारा कार्ड बताता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ या तो अपने पार्टनर के साथ आपको बात करनी चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर हमारा तीसरा कार्ड है, ये बताता है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। और जी हाँ, दिस कुड बी आपको अपने पार्टनर के साथ यू नो कुछ एक्सप्रेस गिफ्ट्स वाला कुछ फैक्टर करना है, या तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक्सप्रेस करना है और उस तरह से गिफ्ट्स का एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक है जी हाँ, तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा, आई नो दैट। इस वीडियो में कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी मुझे जरूर कमेंट से बताइए, एंड अगर आप चाहते हैं दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फायदा मिले तो दूसरे सैजिटेरियंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है। इट्स द ग्रोथ फेज। ये वाला कार्ड कहता है आई एम कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट वेदर आई हैव व्हाट इट टेक्स टू बी योर पार्टनर। दिस इज लाइक अ, इसको आप एज ये भी ले सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एट द सेम टाइम यू नो पार्ट 2 इज सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस व्यक्ति के अंदर सच में वो गुण नहीं है कि वो आपके पार्टनर बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी होता है कि जहां पर दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, एक दूसरे के साथ
रहने की इच्छा की वजह से दोनों ग्रोथ करते हैं, तो इस व्यक्ति को डेफिनेटली सी फील तो हो रहा है कि उनको आपके लिए फीलिंग्स है, उनको आपके साथ रहना है वगैरह फीलिंग्स है, बट एट द सेम टाइम दे आर जजिंग कि वो आपके लायक है भी कि नहीं। तो दिस ये जो इच्छा है, इस इच्छा की वजह से बहुत ज्यादा इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, इनकी ये इच्छा, इनका ये जो सवाल है उसकी वजह से, ठीक है। इच्छा तो नहीं बोल सकते, इसको क्वेश्चन जरूर बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम जो बताने जा देखने जा रहे हैं, इस आई एम ट्राइंग टू लीव माई कम्फर्ट जोन विथ दिस इश्यू। ओके, तो ये जो इनके मन में सवाल आया कि ये आपके पार्टनर बनने के लायक है कि नहीं, उसके लिए ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को भी तैयार है। दैट इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये कंफर्ट जोन छोड़ना आसान बात नहीं है। कंफर्ट जोन आपको बताऊं, लाइक से कि आप हर रोज ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, घर आकर टीवी देखते हैं, घर आकर टीवी देखने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं, राइट। हो सकता है कि ये आपका पैटर्न है, राइट, ये आपका पैटर्न है, ये आपकी दिनचर्या है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आपको किसी ने बोला कि भाई आपको योगा के क्लास करने चाहिए, आपको आपको भगवद गीता के क्लासेस करने चाहिए, तो आप मतलब सुबह उठकर जॉब पर जाते हैं, जॉब से आकर आप यू नो चाय नाश्ता करके आधे घंटे में आप भगवद गीता के क्लासेस में चले जाते हैं। दैट इज डेफिनेटली यू नो गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, और वो भी क्या करने के लिए, अगर आपको डाउट है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल उतना हाई नहीं है और आपको लगता है कि आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल हाई करना चाहिए, और इसीलिए आपने ये सोचा कि चलो भाई एक एपिसोड टीवी का आप कम देख लेंगे, बट आप जाकर पहले अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भगवद गीता का क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। सो दैट इज गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। ये बोलना बहुत आसान है, ठीक है, मैंने जो बोल दिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है, बट अल्टीमेट मोटिवेशन विल कम टू यू कि जब आप इस चीज को करेंगे डे इन डे आउट। जी हाँ, ये करना आसान नहीं है, गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट कार्ड जो हमें बताना चाहता है। यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स है, चैरियट का कार्ड है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जब भी मौका मिले अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए आपको अगला कदम उठाना है। यस, वी हैव द चैरियट का कार्ड, हरी झंडी दिखा दी है कार्ड्स ने कि आप आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन गो अहेड, ये कार्ड आ गया। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू नो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ज्यादा यू नो कॉमनली आ रहा है, स्पेशली बिकॉज एंड आई थिंक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स व्हाई ही इज इम्पॉर्टेंट। सी, एक तो सोच समझ कर ट्विन फ्लेम में आगे, ट्विन फ्लेम की जर्नी में आगे बढ़ना, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा सोचते रहना और कोई एक्शन ना लेना, भाई वो करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सो वो नहीं करना है। थर्ड थिंग, इंटेलेक्चुअली आपको यू नो इंटेलिजेंटली इंटेलेक्चुअली आपको बहुत सावधानी बरत कर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट द रूटीन थिंग। सी, आपको एक बात बताऊं कि हर एक इंसान यू नो किसी भी इंसान को आप देखो तो उनको यूजुअली उसी तरह का बर्ताव वो करते हैं जिस तरह के बर्ताव करने से वो हैबिचुएटेड हो गए हैं, जिस तरह का बर्ताव करने की उनको हैबिट बन गई है। तो अगर किसी को यू नो आपको उनकी लाइफ का जो रूटीन है उसके बाहर कुछ अलग सा उनको करना पड़े तो दैट एक्चुअली दे टेक इट एज अ प्रॉब्लम। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे मैंने अभी किसी का यू नो बताया कि सुबह उठकर जॉब पे जाना, जॉब से आकर टीवी देखना, टीवी देखकर खाना खाकर सो जाना, राइट। लेट्स से किसी का जॉब से आने का समय है 6:30 बजे, राइट, शाम को 6:30 बजे, एंड 6:30 बजे का टाइम है। अब लेट्स से 6:30 बजे इस व्यक्ति को रास्ते में उसके बच्चे का स्कूल का टीचर मिल गया जिसने बोला कि भाई आपका बच्चा बड़ा स्मार्ट है, अगर आप उसको ये वाले क्लासेस में जाकर रखते हो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन फेल्ट हैप्पी, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे बच्चे के बारे में जो अच्छी बात बोली। बट सेकेंड थिंग इज, अब इस व्यक्ति का जो रूटीन है उसको बदलने की बारी आई, कमिंग आउट ऑफ द यस, जैसे मैंने कहा कम्फर्ट जोन से बाहर आने की बात आई, तो इस व्यक्ति के लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम बन गया, एक चिंता का विषय बन गया, राइट। तो ये इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोचने पर, डीप चिंतन करने पर मजबूर कर देगा कि जो यस सी डीप में सोचना बुरी बात नहीं है, बट डीप में सोचते ही रहना और कुछ डिसीजन ना ले पाना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। लेट्स से आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। ट्विन फ्लेम बताना चाहता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। ओके, आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं आपको आराम करना जरूरी है, ठीक है। सी, दिस एक्चुअली शोज दे वेरी रियली केयर अबाउट यू, वी हैव ऑल द फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। आपके पास हर कोई यू नो वजह है कि आप आराम करो, आप ब्रेक लो, आपको यस जरूरत है, ठीक है, इस एसेंशियल। नेक्स्ट चीज आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि ओके, बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो एंड केयर।
आपके प्रिंटलिन चाहते हैं कि आपको सपोर्टिव होना चाहिए, आपको आप सच में केयर करते हैं, वो आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में धनुष है, ठीक है, धनुष है, बाण छूट गया है। तो और यू नो दिस साउंड्स अ लिटिल बिट लाइक श्री राम जी और श्री सीता जी की स्टोरी जैसा साउंड करता है। तो आपको अगर आप श्री राम और सीता जी का स्टोरी आप रामायण पढ़ते हैं, राइट, रामायण पढ़ते हैं, तो आपको यस आप जो लेवल का सुकून एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लेवल का सुकून आपको मिल पाएगा। रामायण पढ़ सकते हैं या रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, वो है ट्रू लव। ये जो कार्ड है ये कहता है दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। आपके ट्विन फ्लेम मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और ऐसा कनेक्शन बार बार नहीं होता है, ऐसा लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपके लिए जरूरी है, आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। सी दिस इज जस्ट अ रीडिंग, आप इसको सच में सीरियसली लेना चाहते हैं कि नहीं, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए, दूसरे लोग जो सैजिटेरियंस हैं उनको बताइए कि ये रीडिंग कितना अच्छा है और आपको भी दिखना चाहिए। तो यस, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला फेज कौन सा होने जा रहा है, वो है आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू बट आई होल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम आस्किंग, आई एम अफ्रेड आई एम अफ्रेड आई गेट इन टू डीप। आपके ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अगर वो अपने आप को वो अपने आप को थाम लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ज्यादा जानेंगे तो बहुत ज्यादा आपके साथ डीप में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जो शायद वो नहीं चाहते या फिर वो उससे डरते हैं। नेक्स्ट कार्ड ये है आई लव लव लाइक आर्स कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके, आपका जो प्रेम है, आप नेक्स्ट फेज, आपका जो नेक्स्ट फेज है मतलब अगले एक साल में आप ये डिस्कवर करने वाले हैं। यस, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। अगले एक साल में आप ये डिस्कवर करने वाले हैं कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, इतना ज्यादा स्ट्रांग लविंग कनेक्शन है कि इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इस लेवल का रियलाइजेशन आपको अगले एक साल में होने वाला है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज दीज फीलिंग्स ओवरवेल्म मी एंड आई बिकम अफ्रेड और समटाइम्स आई इवन रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पर यू नो क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का स्ट्रांग, इतना ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन है, इतना ज्यादा स्ट्रांग लव है कि ये प्रेम अपने आप में ही इंटिमिडेटिंग है कि और आप या आपके ट्विन फ्लेम दोनों इस प्रेम से डरकर भाग जाते हैं। ठीक है, चलो क्या नहीं करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मटीरियलिस्टिक डायमेंशन को बैलेंस में रखना है। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है मटीरियलिस्टिक डायमेंशन मतलब हमारी जो भौतिक दुनिया है वो, सी भले ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन बताता है आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इतना ज्यादा डीप में उतर जाते हैं कि मटीरियलिस्टिकली क्या उनको करना है क्या नहीं, मतलब वो भूल जाते हैं, उसकी सुध-बुध नहीं रहती है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आप मटीरियलिस्टिकली अपने आप को बैलेंस में रखें, उसी के साथ अपने ट्विन फ्लेम के भी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी आपको अच्छे से बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो ये कार्ड बताना चाहता है दिस इज क्या करना चाहिए मैं, यस आपको ये कोशिश करना है कि आप मतलब सोशली प्रेजेंटेबल रहे। सोशली प्रेजेंटेबल मतलब कि सोसाइटी में अगर आप बाहर निकलो, अब दुनिया में बाहर निकलो तो आपके पास दुनियादारी का नॉलेज होना चाहिए। दुनिया एक नजरिए से आपको देखती है, दुनिया एक तरह के नजरिए में आपको आपको ढलते हुए देखना चाहती है।
अब कुछ हद तक यू नो उसको आप नकार दो तो भी चलेगा, कुछ हद तक आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, लेट से राइट। जैसे आप अगर किसी जॉब पर जा रहे हैं तो आप स्विम सूट पहनकर नहीं जा सकते राइट, बिकॉज वहां पर एक कपड़े पहनने का एक डेकोरम होता है, आपको अपने आप को उस डेकोरम के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। वो जॉब आपका यस लेट से आंटी का कंपनी है तो आपको उसके यूनिफॉर्म के हिसाब से, या तो आपको जो बताया गया है सूट पहनना है टाई पहनना है, उसके हिसाब से आपको वहां पर जाना पड़ेगा ठीक है। सो दैट इज वॉट आई एम टेलिंग कि आपको लाइफ में भी आपको सोशली यस सोशली प्रेजेंटेबल रहना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, इतना स्पिरिचुअल होता है और स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो ज्यादातर अपना बाहरी जो लुक है, बाहरी जो उनकी पर्सनालिटी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करती है। जो यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं आपको ये नहीं करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी बाहरी पर्सनालिटी को भी प्लीजिंग बनाकर रखें ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको सुपर मॉडल की तरह दिखना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बस प्रेजेंटेबल दिखना है, आप यू नो दूसरों से एक्सेप्टेबल रहे ऐसा दिखना है ठीक है। चलो ये वाला कार्ड दिखाता है यस यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, हेल्थ को मेंटेन करना है, फिजिकल डायमेंशन मटीरियलिस्टिक रियलिटी को मेंटेन करना है, हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दिस कुड बी पॉसिबल कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी हेल्थ के प्रति आप बहुत ज्यादा केयरलेस है ठीक है, बट केयरलेसनेस नहीं रखना है। लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वाला कार्ड कहता है रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, आपके ट्विन फ्लेम के आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ कुछ बताना चाहते हैं, कोई कोई तोहफा देना चाहते हैं, और यहाँ पर ये कार्ड बताता है यू हैव टू रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। हो सकता है कि आप यू नो इतना अच्छे से रिसीव नहीं करते हैं, आप यू नो हिचकिचाते हैं, मना कर देते हैं, हो सकता है। तो ये कहते हैं आपको रिसीव करना है अप्रिसिएट करते हुए, मतलब जो भी मिल रहा है उसको थैंकफुल होकर अप्रिशिएट करके रिसीव कर लो। ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज अ वे टू शो लव ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम भी आपके लिए जो कर रहे हैं, दूसरे आपके जो आसपास हैं आपके लिए कर रहे हैं, उसको आपको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है। अब मुझे पता है ऐसे आपके आसपास के जो लोग हैं कि जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि वो आपके लिए कुछ करें, उनके हिसाब उनके पास आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अलग बात है। बाकी आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी यू नो चीजें एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको जब कोई चीज देते हैं उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस कार्ड सेज लव हु यू आर, आपका ट्विन फ्लेम चाहता है कि आप अपने आप को आप जैसे हैं वैसे प्यार करें। यू आर डिवाइन डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज टू ऑफर। जी हाँ, आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आप हर अच्छी चीज हर बेहतरीन चीज आप डिजर्व करते हैं, तो यस आप बट आप क्या कब डिजर्व करेंगे, जब आप यू नो आप जो है वो बने रहेंगे तब, जब आप कोई अलग व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे तो आप ना अपने आप की तरह है ना किस ना उस दूसरे व्यक्ति की तरह है, तो इसीलिए आप बीच में फंसे होंगे और आप यस नहीं पा सकेंगे वो सारी चीजें, वो सारे डिलाइटफुल गिफ्ट्स के जो आपको दिए गए हैं। ये वाला कार्ड कहता है डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। ओके, अगर आपके लिए ये कार्ड ये बता रहा है कि डू समथिंग फॉर समबडी एल्स, किसी के लिए कुछ करना है, तो देयर कुड बी अ चांस कि आप इतने ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व है, शायद आप इतना ज्यादा अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं। अब इसके इसके भी दो मीनिंग्स होते हैं राइट। कोई ऐसा व्यक्ति के जो नार्सिसिस्ट है, अपने आप के सिवा दूसरे के बारे में थॉट्स ही नहीं आते, विचार ही नहीं आते, बट एट द सेम टाइम कभी कभी कुछ लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सेल्फ रिफ्लेक्शन में इतना खो जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा किसी दूसरे के बारे में वो विचार ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको डेफिनेटली किसी दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत है ठीक है। ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज रीडिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम। यस, एक और बात बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोग के जो सैजिटेरियंस हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कास्ट क्या बताना चाहते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है, दैट इज दिस
टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में शुरू हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। समटाइम्स आई फील लाइक यू आर स्पीकिंग टू मी इन माई हेड, आपके ट्विन फ्लेम को ये लगता है कि आप जो भी बोलते हैं, आप उनसे जो भी कहना चाहते हैं वो एक्चुअल में वो अपने दिमाग के अंदर सुन सकते हैं। दिस एट टाइम्स इट ट्रिगर्स मी बिकॉज आई वंडर हाउ मच यू कैन सी इन टू मी। आपके ट्विन फ्लेम ये होने की वजह से सोचते हैं कि आप इससे कितना ज्यादा हद तक उनकी लाइफ में आप झांक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये कार्ड बताना चाहता है आपके मिशन के बारे में कुछ। बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टार्टिंग टू सी व्हाट इज रियली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अब आपके ट्विन फ्लेम का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, इससे किसी के भी साथ किसी का भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब भी अवेकन हो जाता है, तब आप डेफिनेटली उस कनेक्शन का एक हायर पर्पज है कि जो धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू करेंगे, कि जो आपका ट्विन फ्लेम रियलाइज करना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास है यूनियन का कार्ड है। यू आर माई ट्रू लव, माई हार्ट एंड माई सोल। आपके ट्विन फ्लेम मानते हैं कि आप उनका ट्रू लव है। आप यस, आप डेफिनेटली यू नो यू आर समथिंग कि जो आप इतने अलग है कि आज तक आप जैसा प्रेम उनसे और कोई नहीं कर पाया है। आप वो आपसे इतना स्ट्रांग प्रेम कर पाए हैं कि जितना किसी और से नहीं कर पाए हैं। दिस कार्ड सेज यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यस यू नो आपको एक सोल्यूशन बताया जा रहा है। आपको कोई भी शंख जो होता है, सीप जो होती है, या सी शेल्स होते हैं, किसी भी तरह का सी शेल हो सकता है, आपको उस सी शेल को दरिया किनारे जाओ, वहां पर जाकर फ्रेश वाला सी शेल लो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपने कहीं से मार्केट से उठाया हुआ भी सी शेल है तो उसके साथ करोगे तो भी चलेगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सी शेल के अंदर यू नो आप अपने मन में एक प्रेयर डालो, अपनी जो विश है अपने ट्विन फ्लेम के बारे में वो विश करो कि भाई एंड यू नो ट्राई टू मेक दैट विश अनकंडीशनल। जैसे आपकी ट्विन फ्लेम की सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जैसे आपकी ट्विन फ्लेम की सारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में सारी खुशी मिलनी चाहिए, ट्राई टू विश समथिंग वेरी पॉजिटिव अनकंडीशनली। कुछ ऐसा कि मतलब जहां पर आपका उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका उनके साथ कभी कनेक्शन हो भी नहीं तो भी चलेगा, उस लेवल का अनकंडीशनल थॉट, अनकंडीशनल विश, अनकंडीशनल प्रेयर आपको उसमें डालना है, ठीक है, उस सीट में डालना है। और आपको उसे किसी अनजान जगह पर छोड़ आना है, ठीक है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई ऐसा क्यों करना है, राइट, डोंट डू दैट। ऐसा करो, दिस इज हाउ यू आर लीविंग टू द यूनिवर्स। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए एक अच्छा विश आप छोड़ रहे हो और यूनिवर्स को दे रहे हो, ठीक है। दिस कार्ड सेज सी देयर आर फुल चांसेस कि आपने अपने ट्विन फ्लेम से जो प्रेयर किया, अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो विश किया, वो डेफिनेटली यू नो आपके ट्विन फ्लेम तक पहुंचने वाला है ही, ठीक है। बट यस, इट हैज टू बी इम्पोर्टेंट कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये कार्ड बता रहा है कि ये सन का कार्ड है, ठीक है। ये सन वाला कार्ड कहता है आपकी लाइफ में, आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आने जा रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। ऑलवेज कीप ऑन प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने मिशन के ऊपर हमेशा आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि आप दिन में सिर्फ एक ही छोटा सा कदम ले पाते हैं, कुछ ही छोटे से कदम आप ले पाते हैं एक हफ्ते में, बट करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर, मैसेज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या बताना चाहते हैं, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं आप किसी भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में आपको फेथ रखने की जरूरत है। आप कहेंगे अच्छा, लेकिन वो परिस्थिति में क्या हो रहा है वो नहीं पता हो तो, सी यू हैव टू हैव द फेथ। यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है, गॉड में बिलीव करते हैं तो गॉड पे फेथ रखिए, नेचर के ऊपर बिलीव करते हैं तो नेचर में फेथ रखिए, ठीक है। दिस कार्ड सेज दैट एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, व्हेनेवर यू हैव अ समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विद यू सो दैट यू विल ऑलवेज कंसिडर देम, ठीक है। अब अगर आपके आपके ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं है, यस फ्रॉम दिस यूनियन कार्ड, यस यहाँ पर यूनियन का कार्ड जरूर आया है, मतलब कि आपका यूनियन जरूर होगा अगले कुछ महीनों में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, ये वाला कार्ड बताता है एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज योर, ऐसा मतलब बिहेव करना है जैसे आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी आपके पास है और एक्चुअल में यू नो वो एनर्जी आपके साथ काम करना शुरू कर देगी। दिस इज द कार्ड दैट सेज स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में चीजें करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आपको जवाब चाहिए, बहुत ज्यादा आपको यू नो मतलब चीजें मतलब करना है, ठीक है। सो दैट सेज के आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, शांति से यू नो चीजें करना है कि जिससे यस आपको यू विल बी एबल टू
यस, आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि जिनकी साइन है सैजिटेरियस। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यस, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसा मदद की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट।